नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल गीता की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। वाओ, आपका नाम कितना खूबसूरत है। इन्होंने लिखा है कि मैंने आपके बेटे परम की मैकबुक मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरी देखी थी। उसके बाद मेरा भी दिल किया कि मैं भी मैकबुक चाहती हूँ खरीदना, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो एक काम करते हैं, मैं उसे मैनिफेस्ट करती हूँ। फाइनली मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया है और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं मैकबुक के लिए विजुलाइज करती थी। मेरे ऑफिस में दो लोगों के पास में मैकबुक है और वो लेकर के भी आते हैं, औरों के भी पास में है लेकिन लेके कोई नहीं आता, ये दो लोग लेके आते हैं। उसमें से एक के मैकबुक को एक दिन मैंने अच्छे से टच किया, उसको देखा। देखा तो पहले भी था, लेकिन इस बार विजुलाइजेशन के चक्कर में देखा और मैनिफेस्ट करने के लिए देखा। मैं पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि बस यही है, मेरे पास में भी आ रहा है। और इस तरह से मैंने करीब 2 महीने और कुछ और टाइम तक भी मैंने विजुलाइज किया। वो अपने आप ही करते करते छूटता चला गया, मुझे पता नहीं चला कि वो कब छूटा, लेकिन ऐसा ही कुछ टाइम रहा कि वो अपने आप ही विजुलाइज करते करते मैंने छोड़ दिया। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ रहा था। मैं सेल्स मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, अपने नीचे के लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो मैं पॉजिटिव रह करके प्रेशर मेंटेन कर रही थी और सब लोगों को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी देती थी, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दे देती थी जो लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। मेरे अंडर में टोटल 18 लोग काम करते हैं और मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। इसके बाद में जो हुआ वो बहुत बड़ा ही मैजिक है। मैंने इतनी ज़्यादा सेल्स की कि मेरे ऑफिस को सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरी तरफ की टीम से 18 लाख का प्रॉफिट पहुँचा। 18 लाख का प्रॉफिट बहुत बड़ा था, वो भी ऐसे टाइम पर बहुत मुश्किल था कि इतना बड़ा प्रॉफिट होता। प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि कोविड सिचुएशन है, ऑनलाइन से हम लोग सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कम माल हो गया, ऑनलाइन में भी हमने इतना बड़ा प्रॉफिट करके दिखा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे बॉस ने मुझे खुद मैकबुक दिया है, मैंने उनसे गिफ्ट लिया है। मैंने मांगा नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे मैकबुक दिया और उन्होंने कहा कि तुम इसे डिजर्व करती हो, तुमने ऑनलाइन में भी ऐसी सिचुएशन में भी इतनी मेहनत की है और तुम इसे डिजर्व करती हो। और उन्होंने मेरी टीम को भी बिल्कुल महंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, सब लोगों को ओप्पो के फोन्स भी गिफ्ट किए हैं। उनका कहना था कि जो टीम और जो मैनेजर इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में, इतना प्यार से, इतना पोलाइट वे में अपने सब लोगों को हैंडल करता है, वो बहुत आगे जाएगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा, बहुत दिन तक तुम्हें यहाँ पर मैनेजर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्दी अपना ऑफिस खोल लेना और फिर दूसरे लोगों को अपनी ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर रखना। आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट भी बहुत बड़ा था और गिफ्ट भी मेरा बहुत बड़ा था। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया फाइनली मैकबुक जो कि मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट किया है। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हो करके आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। ये अनबिलीवेबल है कि इतनी महंगी चीज़ और इतना बड़ा प्रॉफिट अपने ऑफिस को ऐसे समय पर दे पाना। आज भी सोचती हूँ तो थोड़ी हैरान हो जाती हूँ। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, परम ने मैकबुक मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसके अंदर है, आप देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन और फिर उसके बाद लेट गो, पूरी तरीके से उसको छोड़ दिया। काम में लग गए, काम में लग गए, वो अपने आप ही चीज़ आ गई। तो ये होता है लेट गो, जब आप करते हैं पूरी तरीके से तो फिर वो जो चीज़ है उतर करके आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। अपने अपने रखिएगा ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।